ਗਾੜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਸੁਣ ਜੇ ਟੈਮ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਓਏ ਲੈ ਲਾ ਓ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈ ਜੀ ਲੈ ਲਾ ਓਏ ਲਾ ਓਏ ऐडा बड़ा पलोंगे सुते कला में होना कौन से ऐसी मेरे को आज राती आप किधर से आए आप किधर से आए हैं आजकल मुल्क के हालात क्या हैं आप इस बारे में क्या बता सकते हैं आप बताएं जल्दी करें आप बताएं अभी अभी करीना कपूर से आया हूँ मिल के मुझे बुलाया हुआ है आप जैसे पहन के यक पूरी धरती में नहीं है इस सेक्टर चार में फ्लोरे अच्छा तो आप जैसे माधुर यक कहीं नहीं मिलेंगे मुल्क के हालात बड़े खराब हैं आप बारे में आप क्या कहते हैं आप बताएं क्या कहते हैं आप बताएं मुल्क के हालातों की हमें नहीं पता मुल्क के हालातों के हमने चोर नहीं आप वजारत डिंगरात आपके पास ही बड़ा चोर बाल भी है जरदारी बड़ा चोर बाल भी है जरदारी वो जाने उसका काम है तो आपकी मिनिस्ट्री जो थी वजीर तालीम थे कौन थे हमने सबको जो उनको दे ये सबको जो हमने उनको दे दिए तो फिलहाल आज कल हम पार हो गए गाना जोन सा गा रहे थे वो गाना सुनाए आप गाना सुनाए आप अपनी मोहब्बत के बारे में क्या कहते हैं वो किधर गई है आपकी मोहब्बत मोहब्बत उर्दू में बात करें उर्दू में लोग वाला उर्दू में बात करें उर्दू गर्मियों उर्दू में बात करें उर्दू में बात बोलो और कुछ लगाते हैं ना अच्छा तो मैंने खाने वाला पोड़ो जो है वो भी नहीं पीने वाला पोड़ो इस्तेमाल शुरू कर दिया और आपकी मोहब्बत ही शेख इमरान वो किधर आजकल शेख इमरान का शेख इमरान गया हुआ है मत बोले बड़े कार अच्छा यहाँ से इंशाल्लाह वो निकल के आएगा या तो वो वजीर बनेगा या मिनिस्टर बनेगा जज ने फैसला कर दिया उसको सजाए मौत हो गई है जी उसको सजाए मौत हो गई है जज को हो जाएगी उसको नहीं होगी ठीक है जी बात तो इंशाल्लाह तो बाबर खान के बारे में आपका क्या इंशाल्लाह जी के उनके साथ इसी साल उनका घाटा अपनी जगह पे आ जाएगा नहीं वो अच्छा के इलेक्शन में खड़ा होने का प्रोग्राम था उनका इनका बाबर खान का जीतने के चांस खोल के बात करें ना इंशाल्लाह है जीतने के चांस है जीतने के चांस क्यों नहीं है ना बाबर खान जीत जाएगा इंशाल्लाह जीत जाएगा जी अल्लाह जी इंशाल्लाह उन्होंने करेगी वोटें इतनी है उनकी घर की वोटें इतनी है की बार की वोट की लेने वाले भी है ना गलत नहीं बात सुनी को चाहता अच्छा वो बाहर आ रहे हैं इमरान कह रहे हैं आपके ख्याल है वो बाहर आ रहे हैं जी इंशाल्लाह मैंने आपको कहा ना जो या वो वजीर बनेगा तो या वो मिनिस्टर आपका कौम के लिए क्या पैगाम है आप ये कौम के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये हमारी जो कौम है मैं यही कहना चाहता हूँ अल्लाह पाक इस कौम को हिदायत दे दे और इस कौम को हरी कौम को इंशाल्लाह अमरीका खड़े पहले खाना काबा खड़े आज पढ़ो पढ़ के अपने गुनाह उर्दू में बात मांगे उर्दू में तो अपने गुनाह की माफियाँ मांग के तो इनको लेके सीधा अमरीका अच्छा अमरीका जाए उसे फिर काफर हो जाते नहीं जी अमेरिका जाके तो वहाँ पे सबको इस्लाम मुसलमान करें सबको मुसलमान करें आमीन सुम आमीन सुम आमीन और हमारी यही दुआ है अच्छा। हमारी यही दुआ है और आपको भी अल्लाह पाक हिदायत दे ये जो लोग नशा वो चीजें इस्तेमाल करते हैं जो मुल्क में नशे की वबा फैली हुई है जो बेचते हैं जो खेलते हैं आप उनको सारे बाजार को फांसी दी जाएगी जो पीते हैं तो उनको जो पीते हैं उनको अच्छी अच्छी कोड़े मारे जाएं मारो जी आदम हाना सी लेकिन नहीं पहले
बेचने वाले को फांसी दी जाए, उसके बाद भी अगर कोई पीता है तो उसको 80-80 कोड़े जो बड़ी मस्जिद है उसके बाहर। क्यों जी? मैंने गलत बात नहीं की है? नहीं अब ठीक है, आप उधर लगे। अभी ये इंटरव्यू आपने अगर किसी और को बताया, नहीं अगर किसी और को सुनवाया बस खत्म।